Hello friends, welcome to my channel Filmora Video Editing. On this channel you will learn about how to edit videos from basic to advanced level. ये जो है मैं अभी फ़िलहाल वंडरशिप फिल्मोरा का वर्जन 10 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, वंडरशिप फिल्मोरा एक्स. दिस इज़ द मेन इंटरफेस ऑफ वंडरशिप फिल्मोरा. ऑन दिस राइट साइड यू विल फाइंड the project library in which these are the previous projects on which I am working, and this side which is on the left side where you select the screen ratio, this is the 16:9 wide screen. ये आप automatically ये selected होगी, ठीक है, you don't have to select it. Then देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन एंड एन ओपन प्रोजेक्ट ऑप्शन. अगर आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको आपने ओपन करना है, यू विल सेलेक्ट ओपन प्रोजेक्ट ऑप्शन. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, मतलब एक नई वीडियो को एडिट करना है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट पर हम सेलेक्ट करेंगे. ओके, दिस इज़ द मेन इंटरफेस ऑफ वंडरशेयर फिल्मोरा. फ्राम बेसिक, क्योंकि हम बेसिक से सीखने जा रहे हैं तो हमने स्टार्ट लेना है ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, मीडिया. सो बेसिकली मीडिया के अंदर हमने अपना मीडिया मीन के जो हमने पिक्चर लगानी है अपनी वीडियो में, कोई वीडियो का क्लिप लगाना है या फिर इसके अलावा कोई ऑडियो लगानी है, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ हम मीडिया के अंदर रखते हैं. मीडिया में कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होंगी जो हमें पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल कलर्स हैं. सैम्पल कलर्स के अंदर कुछ कलर्स हैं, ठीक है, ये अगर हम वीडियो के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से फ्री यूज़ कर सकते हैं. और सैम्पल वीडियोज़ हैं, मीन के यहाँ से कोई हम वीडियो यूज़ करना चाहते हैं सैम्पल, जैसे यहाँ पर काउंट डाउन की ऑप्शन हैं, ठीक है, और कुछ और मेन जैसे स्टार्ट करना हो हमने कोई न्यू वीडियो, हम काउंट डाउन लेते हैं तो वो वाला हो सकता है. इसके अलावा उन्होंने कुछ और वीडियोस दी हुई हैं ट्रैवल की. अब अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपने अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, अब हम चाहते हैं कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इम्पोर्ट का, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन है साथ में रिकॉर्ड का. इम्पोर्ट मीन हमें अपनी मीडिया जो लाइब्रेरी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इधर हमने ये सारा वो जो इंपोर्ट करके लाएंगे वीडियोस वो रखनी है. यहाँ पे ऑप्शन है कि इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, इंपोर्ट अ मीडिया फोल्डर, यानी एक आपके पास पूरा फोल्डर है जो आप इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ फाइल्स हैं. इम्पोर्ट फ्राम अ कैमरा और अ फ़ोन, मीन आप अपना कैमरा या फ़ोन अटैच करके उससे इंपोर्ट करके यहाँ पे लाना चाहते हैं फिल्मोरा के अंदर. और इंपोर्ट विद इंस्टेंट कटर टूल या फिर डाउनलोड फोटोज़ फ्राम द फ्लिकर, ठीक है, तो हम बेसिकली अभी हम जा रहे हैं कि इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, ये हमें ले जाएगा हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होंगे जो जिन पर हमने काम करना है, ठीक है, कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ये जो आपने यूज़ करना है. मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट करती हूँ वीडियोस जो मेरे पास ऑलरेडी कुछ पड़ी हुई हों. तो यहाँ से मैं कुछ मीडिया सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली, यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर ली, एक और वीडियो सेलेक्ट करती हूँ एक. तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि चार चीज़ें मैंने सेलेक्ट करनी है. ठीक है, और इनको हम लेके जा रहे हैं, ये सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ये चार पांच हमारी जो पिक्चर भी आ गई हैं और वीडियोस भी, ठीक है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं. अब हमें क्या करना है कि इन वीडियोस
पिजन पे काम करना है, पिक्चर्स पे काम करना है, हमने इनको ड्रैग करके यहाँ नीचे, ये जो हमारी लाइब्रेरी, ये मतलब हमारा इंटरफेस नीचे वाला है, इसके अंदर लाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो भी ये चीज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आ गई फर्स्ट फ्रेम के अंदर। ठीक है, ऊपर वाला फ्रेम, नीचे वाला फ्रेम ऑडियो का फ्रेम है, ऊपर वाला फ्रेम हमारा जो वीडियो होगी उसका फ्रेम होगा। और इसके अलावा आप यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ के ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो वो भी यहाँ पे आके ये नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे अब हमने यहाँ से जब आप कोई वीडियो लाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि द रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट ऑफ दिस मीडिया डज नॉट मैच द सेटिंग्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू चेंज द प्रोजेक्ट सेटिंग टू मैच द, तो आपने सेलेक्ट करना है ये 1920x1080x30fps मीन जो मैच टू मीडिया, मीडिया है जो उसी से हमने मैच रखना है। अब हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक पिक्चर आ गई है, एक वीडियो आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वीडियो के अंदर हमारे पास जैसे कि नीचे ऑप्शन आ रहा है इसका ऑडियो का, वीडियो के नीचे ऑडियो भी आ रही है, तो हम चाहते हैं कि ये वाली ऑडियो ना आए, हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिटैच ऑडियो का, डिटैच ऑडियो पे हम क्लिक करेंगे, देन वी सिलेक्ट द ऑडियो एंड जस्ट प्रेस द डिलीट बटन फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, नाउ ये आपको समझ आ गया यहाँ तक कि हमने किस तरह से मतलब मीडिया जो होगा, पिक्चर है और वीडियो है, किस तरह से हमने क्लिप्स को, पिक्चर्स को यहाँ पे ड्रैग करके लाना है। अब हम क्या चाहते हैं, ये बाकी चीज़ें भी ऐसे ही यहाँ पे नीचे आप ड्रैग कर सके ला सकते, लेकिन जैसे कि ये वाला, जैसे ये मीडिया है, अब हम इस मीडिया को चाहते हैं कि ये इतना ज़्यादा ना हो, मतलब हमें स्टार्ट से ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, जैसे एम्प्टी बाउल है जो स्टार्ट में, वो नहीं चाहिए। तो अब हमें ये एम्प्टी बाउल को यहाँ से कैसे कट करना है, अब हम यहाँ पे जहाँ तक एम्प्टी बाउल है यहाँ तक लाएंगे, और ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा सीजर्स बनी हुई है, तो सीजर्स के ऊपर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये कट हो गया, इसको कहते हैं स्प्लिट करना। अब ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए थी, इसके ऊपर सिलेक्ट करनी है, मीन एम्प्टी बाउल नहीं चाहिए। इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन आएगा डिलीट का जो बटन होगा उसको प्रेस करके, या इसके ऊपर डबल क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाता है डिलीट का, ये वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे तो भी ये वाली जो आपके पास क्लिप जो आपको नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा।